कोलकाता नाइट राइडर्स का कोच गौतम गंभीर किंग एक्सएल पंजाब का बहुत ही अनबिलीवेबल जीत पर नाखुश है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 260 से रन बनाया था, हालांकि बॉलर ने यह डिफेंड नहीं कर पाया। इस दौरान गौतम गंभीर का नाखुश होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, गौतम गंभीर का इस बार का आईपीएल में जो हर एक मैच में 220 के ऊपर रन बन रहा है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे गौतम गंभीर, यहाँ पे BCCI तथा यहाँ पे क्रिकेट काउंसिल के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पिच बनाया है और बॉलिंग का यहाँ पे कोई भी बॉलर को माफ नहीं कर रहा है, मतलब हर एक जगह पे धुलाई धुलाई हो रहा है, मतलब ये जो सिलसिला इस बार का आईपीएल में हो रहा है ये उनके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। BCCI को यहाँ पे बॉलर के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पे पीस बनाना चाहिए था, हालांकि दर्शकों का बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट ज़रूर हो रहा है। हालांकि कोच गौतम गंभीर को ये कहना है, गौतम गंभीर ये बोल रहा है BCCI को बॉलर को थोड़ा सा मदद करने वाला पीस भी चाहिए होता है, ताकि असली नेल बाइटिंग मैच देखा जा सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स का दो बार का चैंपियन कप्तान गौतम गंभीर जो कोच बने हैं और युवा क्रिकेटर को हमेशा मदद करने के लिए टिप्स देते हैं, ये सख्त जही होता है। युवा बॉलर को भी गौतम गंभीर परखना चाहता है और अगले कुछ साल में जो कोलकाता नाइट राइडर्स का होके अच्छे प्रदर्शन करे। आपको क्या लगता है गौतम गंभीर का रणनीति पर, ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।